नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शाही जीरा किचन में। तो दोस्तों, आज आप बनाना सीख रहे हैं सोफियाना पनीर टिक्का। ये बहुत ही लाजवाब पनीर टिक्का होता है और इसमें हमने आपको कैप्सिकम, प्याज और टमाटर, इसकी जो है कॉम्बिनेशन को किस तरीके से यूज करते हैं वो भी हम बताएंगे। तो देखिए हमारी इस वीडियो को और बनाइए अपने घर में सोफियाना पनीर टिक्का, बहुत ही लाजवाब, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को खिला के उनका दिल जीत लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना काटेंगे पनीर, जो है हमने लिया है 250 ग्राम, और पनीर को हम जो है इस तरीके से क्यूब में बना लेंगे, ये देखिए, और इसके हम जो है 6 पीस बना लेते हैं, ये देखिए, बहुत सुंदर हमने जो है पनीर के क्यूब बना लेते हैं। अब दोस्तों, इसको ले चलते हैं अपने सोफियाना पनीर टिक्का बनाने के लिए। तो दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं सोफियाना पनीर टिक्का, जिसके लिए हमने लिया है अपना पनीर 250 ग्राम, और अब इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। जो सबसे मेन मसाला है इसके लिए सौंफ का पाउडर है, जो हमने पीस के रखा है बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप बाहर से ना लें और इसको अपने ही मिक्सी में पीस के जो है तैयार करेंगे, तो इस पनीर टिक्के का जो फ्लेवर है बहुत ही उम्दा किस्म का आएगा। तो हम डालते हैं इसमें अपना 1 चम्मच फुल भर के सौंफ का पाउडर, और फिर डालेंगे हम इसमें जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और डालेंगे 1/2 टीस्पून जो है किचन किंग पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, और 1/2 टीस्पून ही डालेंगे इसमें वाइट सॉल्ट, कस्तूरी मेथी 1/4 टीस्पून, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का, सरसों का तेल 4 चम्मच डाल लेते हैं। अब इसको जो है हम जो है अपने हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें और डालेंगे हम अपनी 100 ग्राम के करीब दही, जो हमने अपने मेजरिंग कप में ली है। तो दोस्तों, ये हमारी दही हो गई है। अब इसको अच्छे से जो है इस पनीर के साथ जो है मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से हमारा जो है सोफियाना पनीर टिक्के का मैरिनेशन हो गया है। अब हम इसमें अपनी जो है सासलिक भी डाल देते हैं और इसको भी मैरिनेट कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर हमारा जो है सोफियाना पनीर टिक्का मैरिनेट हो गया है। अब इसको भी हम जो है 2 घंटे के लिए अपने रेफ्रिजरेटर में डाल दें। तो दोस्तों, हमारे सोफियाना पनीर टिक्के का मैरिनेशन को 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको जो है अपने सरिये पे लगाकर इसको हम जो है आपको खिलाएंगे। बहुत ही टेस्टी सोफियाना पनीर टिक्का होता है, ये देखिए बहुत ही डिसेंट इसका कलर है। और अब हम इसको लगाने जा रहे हैं अपने सरिये पे। इसमें जो है सबसे पहले हम ऑनियन लगाएंगे सबसे नीचे की साइड, उसके बाद हम इसमें जो है कैप्सिकम लगाएंगे, और फिर हम टमाटो। वैसे जनरली जो है सब लोग जो है सासलिक जो है देते नहीं है पनीर टिक्के में, लेकिन हमारा हमेशा मानना ये रहा है कि खाली पनीर को खाना कोई अच्छा टेस्ट नहीं देता है उतना। इसके साथ एज ए एकम्पनीमेंट्स में हम कहेंगे कि सासलिक होना बहुत ही ज़रूरी है, जो इसके टेस्ट को बढ़ाता है। तो इसीलिए जो है आपको हमारे हर टिक्के में जो है सासलिक मिलेगा, चाहे वो मलाई टिक्का ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से हम देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा जो है सोफियाना पनीर टिक्का है। ये हमने इसमें बहुत सारी जो है अधिक क्वांटिटी में जो है सौंफ डाली हुई है, और जो सौंफ है वो बहुत ही लाजवाब जो है फ्लेवर देती है हमारे पनीर टिक्के के अंदर। तो दोस्तों, आप इस तरीके से जब पनीर टिक्का सोफियाना बनाएंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा इसको खाने में भी और बनाने में भी। तो दोस्तों, ये देखिए हमने जो है अपनी जो सासलिक है पनीर टिक्के के साथ बहुत खूबसूरती से पिरो दी है, और अब हम इसको भी जो है अपने तंदूर में जो है
रोस्ट होने के लिए डाल देते हैं और डालेंगे इसको भी हम इसी डायरेक्शन में कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है सौंफियाना पनीर टिक्का जो है बन के तैयार हो गया है। अब इसको भी जो है हम अपने बाउल में निकाल लेते हैं। एक के दो कर लें। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा येलो बटर, इसको हम डालेंगे 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो नमक जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और डालेंगे दोस्तों इसमें हम अपना चाट मसाला जो है 1/2 टीस्पून, और डालेंगे इसमें चिली गार्लिक ऑयल 2 चम्मच। अब डालेंगे लेमन वेज 2 पीस, और डालेंगे इसमें 1 चम्मच क्रीम का, 2 डाल देते हैं हम इसमें, और इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छे से जो है मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया जो है हमारा 2 चम्मच, और इसको भी जो है मिक्स कर लेंगे। अब लेके चलते हैं इसको अपनी सर्विंग डिश के पास, जहाँ पे वो इसका इंतज़ार कर रही है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सौंफियाना पनीर टिक्का जो है बन के तैयार है। तो देखा ना दोस्तों, कितना आसान है सौंफियाना पनीर टिक्का बनाना। इसकी तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सौंफ का फ्लेवर, जैसे आप खाने के बाद सौंफ को एंड में लेकर उसका मजा लेते हैं, लेकिन आज तो एज इज स्नैक्स में ही आप उसका मजा ले लेंगे। तो हमारी ऐसी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि हमारी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, और आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए उसको शेयर ज़रूर करें। तो नमस्कार दोस्तों।